क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी धीमी नहीं पड़ पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा शोर और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से घिरे रहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका अपने लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया में शांति पाना पहले से कहीं अधिक कठिन है। हम पर नोटिफिकेशन से सूचनाओं और उत्तेजनाओं की लगातार बमबारी होती रहती है और इसके लिए एक क्षण भी निकालना कठिन हो सकता है, लेकिन शांति, स्टिलनेस महत्वपूर्ण है। यह शांति फोकस और स्पष्टता पाने की कुंजी है। यह अधिक सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। अपनी पुस्तक स्टिलनेस इज द की में रायन हॉलिडे का तर्क है कि शांति उन लोगों के लिए गुप्त हथियार है जो सफल होना चाहते हैं। वह यह दिखाने के लिए कलातीत स्टोइक और बौद्ध दर्शन का सहारा लेते हैं कि कैसे शांति हमें चुनौतियों से उबरने, बेहतर निर्णय लेने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। शांति क्या है? व्हाट इज स्टिलनेस? दोस्तों, शांति का मतलब निष्क्रिय या आलसी होना नहीं है। यह उपस्थित और जागरूक होने के बारे में है। यह विचलित हुए बिना काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने के बारे में। यह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने और उन्हें आप पर नियंत्रण न करने देने के बारे में है। शांति महत्वपूर्ण क्यों है? शांति कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। जब हम लगातार इधर उधर भागते रहते हैं तो हमें तनाव और चिंता महसूस होने की अधिक संभावना होती है। लेकिन जब हम धीमे होने और स्थिर रहने के लिए समय लेते हैं तो हम तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इसके अलावा, शांति हमें अपना ध्यान और एकाग्रता बेहतर बनाने में मदद करती है। जब हम शांत होते हैं तो हम हाथ में लिए गए कार्य पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और ध्यान भटकने से बच पाते हैं। इससे उत्पादकता और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा, शांति हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम शांत होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से और तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। हमारे आवेगपूर्ण निर्णय लेने की संभावना कम है, जिसके लिए हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा, शांति हमें अपने भीतर से जुड़ने में मदद करती है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान को बेहतर ढंग से सुनने में सक्षम होते हैं। इससे आत्म जागरूकता और आत्मसमझ की गहरी समझ पैदा हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बुक स्टिलनेस इज द की के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि हम इस बुक को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और इस बुक में जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ अपने संबंध को सही करने में और अपने व्यवसाय या प्रोफेशन में चीज़ों को बेहतर करने में। तो आइए, हम आज इसी बुक की समरी जानेंगे कुछ चैप्टर्स के माध्यम से, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरह है, द स्टिल माइंड। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में रायन हॉलिडे हमें शांति की मूल अवधारणा से परिचित कराते हैं। आंतरिक शांति, ध्यान और उपस्थिति की स्थिति शांति की नींव में निहित है, जो जीवन की चुनौतियों के बीच शांति की हमारी तलाश में स्थिरता के पहले स्तंभ के रूप में कार्य करता है। आइए, द स्टिल माइंड की गहन इंसाइट्स में गहराई से उतरें। लेखक हमें इतिहास की यात्रा पर ले जाने महान नेताओं, दार्शनिक और विचारकों की कहानियों को साझा करने से शुरू करते हैं, जिन्होंने शांत दिमाग की शक्ति का उपयोग किया, जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक दार्शनिक और रोमन सम्राट से लेकर जैन गुरुओं और पूर्वी संतों तक। हम सीखें कि शांति की कुंजी हमारे विचारों और भावनाओं पर काबू
पाने में नहीं थे। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह हम पर लगातार ध्यान भटकाती है और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। द स्टिल माइंड हमें सचेतनता और आत्म जागरूकता की शक्ति को अपनाने की चुनौती देता है, मंकी माइंड को वश में करके और हर पल मौजूद रहना सीखकर हम चिंता की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक रायन हॉलिडे हमारे विचारों और कार्यों के बीच परस्पर क्रिया पर भी प्रकाश डालते हैं। वह हमारे व्यवहार के साथ हमारे इरादों को संरेखित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि एक शांत दिमाग सही कार्रवाई की ओर ले जाता है। जब हम अपने विचारों में स्थिरता पैदा करते हैं तो हमारे निर्णय बन जाते हैं स्पष्ट और हमारे कार्य अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान की कला, द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, स्टिल माइंड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छुट्टियाँ हमें मन को शांत करने और दैनिक जीवन की उथल पुथल से बचने के लिए ध्यान को एक शक्तिशाली अभ्यास के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ध्यान के माध्यम से हम खुद के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अंततः उस शांति को पा सकते हैं जो हमारे भीतर रहता है। इस पूरे चैप्टर में लेखक ने संतों और विचारकों के कलातीत उद्धरणों की एक टेपेस्ट्री बुनी है जो हमें इस गहन सत्य की याद दिलाती है कि शांति आत्मा की वेदी है। यह एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि शांत मन केवल एक विलासिता नहीं बल्कि हमारे समग्र कल्याण और पूर्ति के लिए एक आवश्यकता है। द स्टिल माइंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली बातों में से एक यह है कि स्थिरता निष्क्रिय या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, यह कार्यवाही और चिंतन के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। स्थिर मन की खेती करके हम अपने उद्देश्य में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं जीवन की चुनौतियों को ज्ञान और अनुग्रह के साथ पार करने के लिए। यह अध्याय आंतरिक शांति और स्पष्टता की दिशा में हमारी यात्रा के लिए आधार तैयार करता है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति हमारे अपने दिमाग की महारत से शुरू होती है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, द स्टिल बॉडी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में इस मनोरम अध्याय में हमें लेखक रैन हॉलिडे आंतरिक शांति की हमारी खोज में स्थिरता के दूसरे स्तंभ के रूप में स्थिर शरीर के महत्व को स्पष्ट करते हैं। प्राचीन दार्शनिकों, श्रद्धेय एथलीटों और जागरूक चिकित्सकों के ज्ञान की खोज करके द स्टिल बॉडी हमारे भौतिक स्वयं के भीतर सद्भाव और शांति खोजने के रहस्यों का खुलासा करती है। रैन हॉलिडे हमें यह याद दिलाने से शुरू करते हैं कि हमारे शरीर सिर्फ बर्तन नहीं है, वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारे मन की स्थिति को गहराई से प्रभावित करते हैं। जिस तरह से हम खुद को पकड़ते हैं, हमारी मुद्रा और हमारी शारीरिक आदतें हमारे विचारों में शांति पाने की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं। इस पूरे चैप्टर में लेखक ने प्रतिष्ठित मार्शल कलाकार ब्रूस ली और सम्मानित अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जैसे प्रसिद्ध हस्तियों की कहानियों को एक साथ पिरोया है। उनकी अनुशासित शारीरिक प्रथाओं पर प्रकाश डालते हुए वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एक स्थिर शरीर कैसे नेतृत्व कर सकता है शांत मन के लिए, अपने भीतर ऊर्जा का सामंजस्यपूर्ण प्रवाह कैसे पैदा कर सकता है। द स्टिल बॉडी में दिमागीपन और जानबूझकर आंदोलन केंद्रीय विषय हैं। छुट्टियां हमें योग, ताई ची और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती हैं बल्कि अवेयरनेस और उपस्थिति की गहरी भावना भी पैदा करती हैं। हमारी तेज तर्रार दुनिया में आराम और रिकवरी को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। द स्टिल बॉडी हमें ध्यान, गुणवत्तापूर्ण नींद और प्रकृति में बिताए समय जैसी पुनर्स्थापनात्मक
प्रथाओं के महत्व की याद दिलाती, हमारे शरीर को समय और स्थान देकर फिर से जीवंत होकर हम गहन शांति और जीवन शक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक रायन हॉलिडे ने दार्शनिकों और एथलीटों के विचारों तेजक कोट्स को समान रूप से पिरोया है। ऐसा एक कोट, ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने के लिए आपको भीड़ से मुंह मोड़ना होगा। टू लीड एन ऑर्केस्ट्रा यू मस्ट टर्न योर बैक ऑन द क्राउड, एक गहन अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची शांति के लिए बाहरी से अलग होने की आवश्यकता होती है, ध्यान भटकाना और अपनी लय खोजने के लिए अंदर की ओर मुड़ना। शायद द स्टिल बॉडी से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि शारीरिक शांति कठोर गतिहीनता के बारे में नहीं है। यह हमारे शरीर को सुनने, हमारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और खुद को सांस लेने और वर्तमान क्षण में मौजूद रहने की अनुमति देने के बारे में है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, द स्टिल हार्ट। इस चैप्टर में लेखक हमें द स्टिल हार्ट की भावपूर्ण खोज पर ले जाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हृदय केवल एक भौतिक अंग नहीं है, यह हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों और करुणा की हमारी क्षमता का स्थान है। आइए इस चैप्टर की गहन इंसाइट्स में गहराई से उतरें। ऑथर उन चुनौतियों को उजागर करने से शुरू करते हैं जिसका सामना हम जीवन में भावनाओं की उथल पुथल के बीच शांत दिल बनाए रखने में करते हैं। खुशी के क्षणों से लेकर दुख के समय तक हमारे दिन परस्पर विरोधी भावनाओं के तूफान की तरह महसूस कर सकते हैं, फिर भी द स्टिल हार्ट हमें भावनात्मक तूफान के बीच शांति खोजने के लिए आमंत्रित करता है। इस चैप्टर में रायन हॉलिडे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देते हैं। हमारी भावनाओं को स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से समझने, प्रतिबंधित करने और प्रसारित करने की क्षमता, अपनी भावनात्मक जागरूकता को निखार कर हमें अपने भीतर शांति की भावना पैदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी। द स्टिल हार्ट में केंद्रीय विषयों में से एक अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा पैदा करने का अभ्यास महान लीडर्स और मानवतावादियों की हार्दिक कहानियों के माध्यम से लेखक दर्शाते हैं कि करुणा कैसे गहरे संबंधों की ओर ले जाती है और शांति और समझ के माहौल को बढ़ावा देती है। यह चैप्टर आंतरिक शांति के प्रवेश द्वार के रूप में क्षमा की शक्ति पर प्रकाश डालता है। लेखक रायन हमें याद दिलाते हैं कि द्वेष और नाराजगी को बनाए रखने से केवल हमारा भावनात्मक बोझ बढ़ता है, क्षमा को अपनाने से हम अपने दिल से बोझ मुक्त होते हैं और मुक्ति की गहरी भावना पाते हैं। द स्टिल हार्ट में रायन हॉलिडे ने दार्शनिकों, आध्यात्मिक नेताओं और भावनात्मक शांति की कला में महारत हासिल करने वाले व्यक्तियों के विचारोत्तेजक कोट्स को एक साथ पिरोया है। ऐसा ही एक कोट, जितना अधिक शांत आप होंगे उतने अधिक आप सुन सकेंगे, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर, एक सुंदर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची स्थिरता शांत और दयालु हृदय की गहराई से उत्पन्न होती है। शायद द स्टिल हार्ट की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि शांति भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें अनुग्रह और समझ के साथ गले लगाने के बारे में, खुद को भावनाओं को प्रामाणिक रूप से अनुभव करने और संसाधित करने की अनुमति देकर हम उपचार और विकास के लिए जगह बनाते हैं। चैप्टर 4, द स्टिल स्पिरिट। दोस्तों, द स्टिल स्पिरिट में लेखक रायन हमें द स्टिल स्पिरिट के सार का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी शारीरिक और भावनात्मक
स्वयं से परे एक गहरा आयाम है। हमारी आत्मा हमारे अस्तित्व का मूल है। आइए इस चैप्टर की गहन इंसाइट्स जानते हैं। रन हॉलिडे की शुरुआत इस बात पर जोर देकर होती है कि आध्यात्मिकता किसी विशेष धर्म या विश्वास प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज़ से जोड़ती है। द स्टिल स्पिरिट ज्ञान उद्देश्य के इस आंतरिक भंडार में दोहन के बारे में है। इस चैप्टर में लेखक हमारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने कार्यों को अपने वैल्यूज के साथ जोड़कर और उच्च बुलाहट की भावना को अपनाकर हम अपनी आत्माओं के भीतर शांत की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। द स्टिल स्पिरिट में केंद्रीय विषयों में से एक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि खोजने में शांति का महत्व, ध्यान, प्रार्थना और चिंतन जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ तक पहुंच सकते हैं। यह चैप्टर कृतज्ञता और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। ग्रेटिट्यूड का दृष्टिकोण विकसित करके हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर हम अपनी यात्राओं के दौरान गहन शांति और विश्वास पा सकते हैं। द स्टिल स्पिरिट में रन हॉलिडे ने आध्यात्मिक नेताओं, दार्शनिकों और उन व्यक्तियों के कोट्स को एक साथ पिरोया है जिन्होंने अपनी आत्माओं की गहराई को छुआ है। ऐसा ही एक कोट है, जैसे कि मौन वह नींद है जो ज्ञान का पोषण करती है, साइलेंस इज द स्लीप दैट नर्सिसेस विजडम, एक के रूप में कार्य करती है। मार्मिक अनुस्मारक के मौन और स्थिरता में हम अपनी आत्माओं के लिए पोषण पाते। शायद द स्टिल स्पिरिट से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि सच्ची शांति इस एहसास से उत्पन्न होती है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। अस्तित्व के धागों से बुनी गई एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री, अपनी आत्माओं से जुड़कर हम सीमाओं को पार करते हैं, स्वयं की ओर एकता की गहन भावना प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 में, द स्टिल एक्शन। दोस्तों, इस विचारोत्तेजक अध्याय में लेखक रन हॉलिडे हमारे कार्यों को हमारे इरादों और मूल्यों के साथ संरेखित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। द स्टिल एक्शन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति उद्देश्य पूर्ण और सचेत कार्यों से उत्पन्न होती है। आइए इस चैप्टर की इनसाइट्स को जानते हैं। लेखक रन हॉलिडे इस बात पर जोर देकर शुरू करते हैं कि स्थिरता निष्क्रियता का पर्याय नहीं है, बल्कि द स्टिल एक्शन हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में जानबूझकर और सचेतनता पैदा करने के बारे में है। यह स्वचालित आदतों की पकड़ से मुक्त होने और अधिक जागरूक को अपनाने के बारे में जीने का तरीका है। इस चैप्टर में रन हॉलिडे हमारे कार्यों में उपस्थिति की शक्ति का पता लगाते हैं। वर्तमान क्षण में खुद को पूरी तरह से डुबोकर हम अपना ध्यान बढ़ाते हैं और अपने प्रयासों में जागरूकता का एक गहरा स्तर लाते हैं। द स्टिल एक्शन में फोकस्ड विषयों में से एक प्रवाह की अवधारणा है, एक गतिविधि में पूरी तरह से लीन होने की स्थिति, समय का ध्यान खोना और खुशी और संतुष्टि की गहन भावना का अनुभव करना है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि प्रवाह की खोज हमें गहन शांति और रचनात्मकता के क्षण तक ले जा सकती है। यह चैप्टर हमारे कार्यों में वैराग्य की कला पर प्रकाश डालता है। बाहरी सत्यापन और परिणामों की आवश्यकता से खुद को मुक्त करके हम खुद को अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त करते हैं। वैराग्य को अपनाने से हमें आंतरिक शांति और उद्देश्य के स्थान से कार्य करने की अनुमति मिलती है।
द स्टिल एक्शन के दौरान रायन हॉलिडे ने उद्यमियों, एथलीटों और कलाकारों के विचारोत्तेजक कोट्स को एक साथ पिरोया है जिन्होंने सचेतन कार्रवाई की शक्ति का अनुभव किया है। ऐसा ही एक कोट, दुनिया एक दिन में नहीं बनी थी और ना ही हम थे। द वर्ल्ड वॉज नॉट फॉर्म्ड इन ए डे एंड नाइदर वेयर वी, एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे कार्यों में स्थिरता, स्थायी विकास और प्रगति की ओर जाती है। द स्टिल एक्शन से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह है कि उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई से अधिक अर्थ और पूर्णता वाला जीवन मिलता है जब हम अपने मूल्यों के साथ संरक्षित स्थान में कार्य करते हैं, तो हमें उद्देश्य और आंतरिक शांति का गहरा एहसास होता है। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बुक के कंक्लूजन की ओर। तो लेखक रायन हॉलिडे शांति के उन धागों को एक साथ जोड़ते हैं जो पूरी किताब में बुने हुए हैं। स्टिलनेस इज द की, हमें अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और उद्देश्य विकसित करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। हॉलिडे ने दोहराया कि शांति एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक आजीवन यात्रा है। यह मन की एक अवस्था है, अस्तित्व का एक तरीका है और एक निरंतर विकसित होने वाला अभ्यास है। शांति को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाकर हम जटिलताओं से निपट सकते हैं, अधिक ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन जी सकते हैं। यह निष्कर्ष के मुख्य संदेशों में से एक आत्म जागरूकता की शक्ति है। हॉलिडे हमें अंदर देखने और वास्तव में खुद को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं। ताकत, कमजोरियों और पैटर्न जो हमारे कार्यों को आकार देते हैं, खुद को गहराई से जानकर हम सचेत विकल्प चुन सकते हैं जो हमें शांति और पूर्णता के करीब ले जाते हैं। स्टिलनेस इज द की में लेखक रायन हॉलिडे उन व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांति पाई है। ऐतिहासिक शख्सियतों से लेकर रोजमर्रा के नायक हमें सीखते हैं कि सच्ची ताकत चुनौतियों पर काबू पाने से नहीं बल्कि तूफानों के भीतर शांति खोजने से आती है। इस कंक्लूजन में शांत मन, शांत शरीर, शांत हृदय और शांत आत्मा के अंतर संबंध की पड़ताल की गई है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि स्थिरता के ये स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बीच संतुलन खोजना हमारे जीवन में शांति की गहरी भावना पैदा करने की कुंजी है। इस कंक्लूजन में लेखक ने दार्शनिकों, आध्यात्मिक नेताओं और शांति की अपनी यात्रा शुरू करने वाले व्यक्तियों की विचारोत्तेजक कोट्स को एक साथ पिराया है। ऐसा ही एक कोट है जो कि मानवता की सभी समस्याएं मनुष्य की एक कमरे में चुपचाप बैठने की असमर्थता से उत्पन्न होती है और एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा परिवर्तन शांति को अपनाने की इच्छा से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज की समय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।